सीएम हेल्पलाइन पीड़ित व्यक्ति की एक आखिरी उम्मीद होती है। ऐसे में अगर सीएम हेल्पलाइन में बैठे जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे तो पीड़ित व्यक्ति निराश और हताश हो जाएगा। ऐसा ही मामला विदिशा में देखने को मिला। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच तेजी से युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन की विभिन्न मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर परिजनों की चिंताएं बढ़ गई है। विदिशा की छात्रा सृष्टि विल्सन भी यूक्रेन के कीव शहर में पढ़ाई कर रही है। युद्ध के मुहाने पर खड़े यूक्रेन से वह भारत आना चाहती है, लेकिन उसे वापसी का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में परेशान मां ने बेटी को वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगाने के लिए सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर मदद मांगी। तब सीएम हेल्पलाइन से जो जवाब दुखी मां को मिला उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन ने उस दुखी मां से यह कहा कि अगर कोई मध्य प्रदेश का मामला है तो कॉल कीजिए, यह यूक्रेन का मामला है इसलिए यूक्रेन थाने में ही इसकी रिपोर्ट दर्ज कराइए। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अभी वहाँ हालात कैसे हैं? यहाँ पर कंडीशन तो थोड़ी टेंशनिंग है और माहौल भी थोड़ा मतलब सा है। बाद में सीएम हेल्पलाइन भी किया था और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो हेल्पलाइन थी उस पर भी कॉल किया था, तो उन्होंने भी यही बोला आप तो बुला लो अपने बच्चे को अपने खर्च पे, हमारा कोई हमारी कोई तैयारी नहीं है ऐसे। सेटिस्फेक्टरी जवाब अगर मिल जाता तो थोड़ी शांति हो जाती कि हाँ बच्चा कब तक आ जाएगा या उसकी क्या हेल्प हो पाएगी। अभी तक ऐसा कहीं से भी कोई भी मदद का हाथ नहीं आया जिससे लगे कि बच्चा आज जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।